बेहद ही मंदभागी अते दुखदाई खबर सामने आई है जो तो पता लग्या कि एक चूड़े वाली कुड़ी जिसके व्याह नू करीब 6 महीने का ही समा होया सी अपने घर तो डोली तोरन तो बाद मापिया नू अपनी इस लाडली धी का फिक्र हमेशा रहिंदा सी भावें वह किसी बीमारी के नाल भी जूझ रही सी पर सहुरा परिवार के वलों उन्होंने एक पानी का गिलास तक नहीं दिता गया। मापिया ने दसिया कि किंज उन्होंने धी बीमार सी अते जदों उन्होंने चुक के उसनू हस्पताल ले जाना चाहिया तो उस तो पहला वह देखते ने कि जिथे धी नू पाया गया सी उत्थे कंबल तक नहीं सी। ठंड दे विच उसका शरीर ठंड के नाल ही जकड़िया पिया सी, कोई भी सुख सहूलत उसके कोल नहीं सी जिसके लिए मापिया के वलों हदों वध के दाज दहेज दिता गया। व्याह दियां वो तैयारियां कीतियां गईयां जो कि मुंडे वालियां नू पसंद आ सकन, पर उसके बावजूद भी उसकी धी दे नाल सोरा परिवार दे विच जाके 6 महीनों दे विच ही की कुछ होया किसी नू पता ही नहीं लग्या। इन्ने घट समय दे विच जदों मापिया नू अपनी धी दे सोरे परिवार नू समझण दे विच ही समा लगदा रहा अते इसे दे विचाले बीते शाम धी ने अपने पेके घर फोन तक भी कीता सी कि मैनू इत्थों लै जावो। धी ठीक नहीं सी पर उसका इलाज सही ढंग दे नाल सोरा परिवार शायद करा भी नहीं पा रहा सी, इसे करके ही उसने अपने पेका परिवार नू कहा कि मैनू लै जावो। धुंदे विच आया पेका परिवार जदों तक अपनी धी दे कोल पहुंचिया उस समय तक उसकी दर्दनाक तरीके दे नाल जान जा चुकी सी। अज तो करीब 6 महीने पहला मापिया ने वलों अपनी लाडली धी का विआह किया गया सी, पर वह उस घर दे विच किस तरह रह रही सी इस बारे ना तो मापिया नू खबर सी अते ना ही कुछ भरावां नू पता लग्या। आखिरी बार वह अपनी भैन नू देख भी नहीं सके ते हुण उन्हां दे वलों कहा जा रहा है कि साडी भैन पानी मंगदी मर गई पर उसनू किसी ने पानी का गिलास तक नहीं दिता। अज तो करीब 6 महीने पहला मोगा दे बग्याणा बस्ती दे विच व्याही उन्हां दी भैन जिहदे हत्थां दी मेहंदी दा रंग ही हले फिक्का नहीं पिया सी कि अज सहुरिआं दे करके उस दी जान जाण दी दुखदाई खबर सामने आ रही है। सिविल हस्पताल मोगा दे विच धी दी मृतक दे लैण दे लई पुज्जे लड़कियां दे मापिआं दा रो रो के बुरा हाल सी अते ओह इस गल ते यकीन नहीं कर पा रहे सन कि उन्हां दी धी साक्षी हुण उन्हां दे विचाले नहीं रही। कई तरह के इल्जाम सहुरे परिवार ते पेके परिवार के वलों लगे ने। दस दिए कि मृतका की माँ ने दसिया कि साड़ी धी इन्नी बीमार सी पर कड़ाके की ठंड होने के बावजूद उसनू कंबल तक नहीं दिंदा सी उसका सहुरा परिवार। इत्थों तक कि धी पानी मंगदी रही पर सहुरिआं ने उन्हां दी धी नू 2 बूंदा पानी तक दियां नहीं दित्तियां। मृतक साक्षी की माँ ने दसिया कि जदों सानू लड़की दे मामे ने फोन करके ये कहा कि धी की हालत बेहद खराब है, इस ते असी तुरंत ही लड़की दे सहुरा परिवार पहुंचे। इन्नी धुंद दे विच अद्धी रात नू परिवार घरों चल पिया ते सवेरे ओह जदों पहुंचदा है तां देखदा है कि उन्हां दी धी इस दुनिया ते विच नहीं रहिंदी। मृतक लड़की दी मां ते भरा ने सहुरे परिवार ते ये दोष लगाउंदिआं कहा कि इन्हां दी धी नू ना तां कोई गर्म कंबल दिता गया ते ना ही पीण दे लई इह पाणी तक पुछदे सी। परिवार वालिआं ने दस्सिआ कि धी दा विआह करीब 6 महीने पहलां बग्याणा बस्ती दे विच प्रेम कुमार नाम दे व्यक्ति दे नाल कीता गया सी। उन्हां कहा कि असी बीमार धी नू चुक के इलाज के लिए प्राइवेट हस्पताल लेके गए सन पर डॉक्टरों का कहना सी कि उसकी पहला ही जान जा चुकी है। परिवार वालिया ने यह भी कहा कि विआह मौके उन्होंने अपनी हैसियत तो वध के धी नू दाज दहेज दिता सी पर उन्हां दी धी नू सहुरिआं ने अंत समय भी एक कंबल तक नहीं दिता। ठंड दे विच आकड़ी हुई धी नू देख के मापिया का रो रो के बुरा हाल होया अते उत्थे ही ओह इस गल ते यकीन भी नहीं कर पा रहे कि उन्हां दी धी हुण इस दुनिया तो तुर गई है। मृतक दे परिवारिक मैंबरां ने जिला पुलिस मुखी तो इंसाफ की मांग की है अते नाल ही सहुरा परिवार ते कानूनी कार्रवाई करन दी भी मांग की जा रही है। जी 7 महीने हो गए मोगे व्याही से इत्थे प्रेम कुमार दे नाल ते बीमार सी थोड़ी, कल दवाई वगैरह लियांदी इन्हां दी आह सानू फोन भी आया ठीक नहीं है कि दवाई दुई लियांदी ठीक है जी हुण ते राती इन्हां दी भैण जिहड़ी हैगी नीता ते इन्हां ने रोटी रुटी मंगाई कि चलो मेरी वाइफ ठीक नहीं कल्ला रहिंदा प्रेम ते मेरी सिस्टर जिहड़ी साक्षी कल्ले रहिंदे सीगे ते इन्हां ने किसे ने बात नहीं पुछी जी, कोई इन्हां दा रिश्तेदार नहीं आया। खुद मेरा मामा 10:30 बजे
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸਤੀ 6 ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਰਾਤੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਆਪਣੀ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ 3:15 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ 3:30 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਸੀ ਕੁੜੀ ਬਿਨਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਯਾਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਬਿਮਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਸੀ 6:30 ਵਜੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗਿਆਨਾ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸੁਬਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 24-25 ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਗਿਆਣਾ ਬਸਤੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੋਗੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਦੁਈ ਲਿਆਂਦੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ 10:30 ਵਜੇ